आज का प्रोग्राम है सील डेलीगेट्स का प्रोग्राम है। हम लोग पूरा असम नॉर्थ ईस्ट से 450 डेलीगेट्स आया है, 450 डेलीगेट्स आया है हम लोग। इसमें से हमारा ग्रुप में 30 जन आया है, पूरा नॉर्थ ईस्ट से 7 स्टेट सिस्टर्स के तरफ से आया है। आज का यहाँ पे हम लोग को थोड़ा जो जो फेमस जगह है उसमें हम लोग को विजिट कराया जाएगा, और हमारा जो रहने होगा वहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं होस्ट फैमिली। वहाँ पे हम लोग को रात में बिताया जाएगा, उसके बाद जब हम वहाँ पे रहेंगे हमारा नॉर्थ ईस्ट का कल्चर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम आप लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल खाना क्या है, वे ऑफ लिविंग कैसा है, ऐसा करके हम लोग कल्चर एक्सचेंज करके प्रोग्राम करते हैं। हम बहुत सारा एक्साइटेड में है, पहली बार आया है। इस माध्यम से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक ट्रेन में भी नहीं उठ पाया है। इस कार्यक्रम के तरफ से हम लोग बहुत सारा लोगों को ट्रेन में उठने का मौका मिला है। अभी जस्ट हम लोग जब उतरे थे वहाँ पे दो ग्रुप आया था, उसमें ग्रुप 11 और ग्रुप 12। वहाँ में हम जब ग्रुप 11 के लोग वहीं पे रह गया, ग्रुप 12 के लोग जब उतर रहे थे वहाँ पे भी थोड़ा इमोशनली हम लोग रोने लगा। वो एक मतलब अलग सा इमोशनल अटैचमेंट रहते हैं, वो अच्छा लगा। पहले मेरा डाइट तो स्टेट सेक्रेटरी थी, और अभी एक फोरम है जो हमारा स्टेट स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट का फोरम है, और मैं उसका कन्वीनर, स्टेट कन्वीनर है। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, ये हमारा एबीयूपी लोग भी इतना अच्छा स्वागत किया, खुश लग रहा, मतलब बहुत एक्साइटेड हुआ पहले से कैसे उधर पे, मतलब उड़ीसा का भुवनेश्वर को क्या क्या कर रहा वो लोग, एबीयूपी लोग, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग ऐसे जो प्रोग्राम करेंगे, ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ है और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, और ऐसे प्लस मीना बगरा और विजिटिंग भी, प्लेस विजिटिंग जहाँ हम लोग जा सकते हैं, और उनके हिसाब से जहाँ यहाँ वो जो एबीयूपी लोग है कार्यकर्ता है वो हम लोग को रिसीव करेंगे, मतलब ऐसे विजिट करना के कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ प्रोग्राम करेंगे। ऐसे प्लान तो मतलब बहुत जगह घूमना चाहते हैं और सभी ग्रुप में भी, और इससे जहाँ जहाँ जगह वो लोग घूमेंगे उधर।